आपको जान के काफी हैरानी होगी, ये जो सामने आप गणपति बाप्पा देख रहे हो ये पूरे गणपति बाप्पा टिश्यू पेपर से बने हुए हैं, और जैसे ही समुंदर के अंदर जाएंगे उसी टाइम गल जाएंगे। सो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा गणपति जी को निकलते हुए गणपति विसर्जन के लिए, लालबाग के राजा के गणपति जी को देखा था आपने। अब आप देखोगे चिनपोकली के गणपति जी को, चिनपोकली के पास ही गणपति जी लगे हुए थे बहुत बड़े, वो भी निकल रहे हैं। ये सेकंड गणपति बड़े होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे गणपति होंगे जो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरे शहर में रैली निकली हुई होती है, पूरा शहर एक साथ सब बना रहा होता है भाई, इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ देखने को मिलेगा। वहीं से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा था, तो जाके पूरा वीडियो देखो और भाई एंड में फिर मिलते हैं। भाई मुझे क्या लगा था ये जो एरिया है ना यहाँ पे शायद गणपति जी आके रुकेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से एंट्री होती थी जब गणपति जी वहाँ पे हुआ करते थे मंडप में, तो यहाँ पे लोग वेटिंग एरिया में रुक के आराम आराम से एक एक बंदा जाता था दर्शन करने। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ आती होगी भाई दर्शन करने के लिए भी। और अब तो गणपति बाबा बाहर आ चुके हैं, वो देखो सामने। लालबाग के गणेश जी तो देख लिए, चिंतामणि गणेश जी देखिए, और वहाँ की भी रैली निकल चुकी है। जो सारी भीड़ थी ना वो लालबाग के पास थी, सबसे पहले गणेश जी लालबाग के निकलते हैं, उसके बाद एक एक सारे गणेश जी पीछे पीछे। आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आ चुका था भाई चिनपोकली रेलवे स्टेशन, और वीडियो अपलोड हो चुका है। दो गणेश जी तो आपने देख लिए, अब पूरे शहर में सारे गणेश जी एक साथ घूम रहे होंगे और लगभग सुबह के 4 बजे तक घूमेंगे, और सुबह 4 बजे जाके विसर्जन होता है। तो चलते हैं देखते हैं पूरे शहर में कैसे धूमधाम से गणेश विसर्जन चल रहा है। भाई ये पूरा 12 घंटे चलता है, दिन में स्टार्ट होता है 1 या 2 बजे के आसपास और सुबह के 1 बजे के आसपास विसर्जन कंप्लीट होता है। वैसे तो कुछ गणपति जी विसर्जन के लिए जा भी चुके होंगे, लेकिन जो मेन है वो है लालबाग के राजा, उनका विसर्जन देखना, प्लस 2-4 और है वो सारे विसर्जन देखना। तो सारे विसर्जन आपको दिखाएंगे भाई इसी वीडियो के अंदर। ये देखो भाई एक गणपति जी जिनके पीछे नंदी जी भी हैं, बढ़िया से लग रहा है डांस करते हुए गणपति जी। शाम के बज रहे हैं भाई 5:40, और वो देख रहे हो सामने चिंतामणि का गेट है। मैंने दोपहर के 1 बजे वहीं से आपको मूर्ति दिखाई थी, वो भी वहां से अंदर की तरफ थोड़ा सा, और ये सामने देख लो अभी तक सामने ही है चिंतामणि की मूर्ति गणपति बापा की। इससे अंदाजा मार सकते हो कितनी स्लो मूर्तियां चलती हैं भाई, तभी लग जाता है पूरा टाइम पूरे शहर में घूमने के लिए। चलते हैं क्रॉस करके इससे आगे चिंतामणि से, बाकी की भी मूर्तियां देखते हैं गणपति बापा की। बहुत भीड़ है भाई, पूरे शहर की भीड़ से लग रहा है रोड़ों पे आ गई है। और सोचो ये बिना गाड़ी के चल रहे हैं, तो ये हाल है, अगर ये गाड़ी से चले तो फिर तो ये समझ लो सालों का ट्रैफिक लग जाएगा।
पुलिस सिक्योरिटी साथ साथ ही चल रही है। सबसे आगे लालबाग राजा ही है देख लो, और ये भी ज्यादा आगे नहीं है। चिंता पोकली उधर है, लोगों को देखो छतों पे बैठ के दर्शन कर रहे हैं, लगभग सारी सोसाइटी के ऊपर ऊपर बैठ के। रोड तो पूरी जैम पैक्ड है भाई, चलना नामुमकिन करीब है यहाँ पे। तो वहां पे काफी ज्यादा भीड़ थी तो मैं वापस आ गया भाई। अभी मैंने सोचा है कि जब सुबह अर्ली मॉर्निंग विसर्जन स्टार्ट हो जाएगा तब आपको सीधा ले जाऊंगा दर्शन कराने विसर्जन के। अभी चलते हैं, सामान उठाते हैं और सामान रखेंगे, आराम करेंगे थोड़ा बहुत और फिर अर्ली मॉर्निंग उठेंगे भाई, चलते हैं। भाई ये मुंबई की लोकल ट्रेनें देख रहे हो ना, बिल्कुल जाम पैक्ड होती है हमेशा भाई। मुझे नहीं समझ में आ रहा चढ़ेंगे कैसे इसमें। सो मैं लॉकर तक पहुंच गया और बैग उठाया मैंने, और कोई चिट्ठी छोड़ के गया हमारे लिए, पता नहीं कौन है, कॉल करके देखते हैं। सो अपना कोई सब्सक्राइबर वेट कर रहा था 2 घंटे से भाई यहीं पर अपने लॉकर रूम के पास, और मैंने भी उन्हें कॉल बैक किया है और वो कह रहे हैं मैं आना चाहता हूँ आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका दादर भाई, आप मिल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो आ रहे हैं अभी, कह रहे हैं 10 मिनट लगेंगे, मैं इंतज़ार करता हूँ, मिलते हैं उनसे जो इंतज़ार कर रहे हैं 2 घंटे से अपना। सो अपने सब्सक्राइबर तो आ चुके हैं लेकिन वो शर्मीले बहुत हैं। वो अपन को एक जगह लेके जा रहे हैं पास में, जहाँ पे ना अपना मतलब कि गणपति बप्पा भी निकलने वाले हैं, और उसके बारे में मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा। और मैं भी हैरान हो गया जब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ज़्यादातर मोमडन्स लोग रहते हैं और वो लोग भी गणपति बप्पा को बहुत मानते हैं। तो चलते हैं उसी लोकेशन पे और आपको वो जगह भी दिखाते हैं भाई। वैसे तो मैं जा रहा था अभी आराम करने के लिए, सोच रहा था सुबह विसर्जन के टाइम पे निकलूंगा, पर अभी कोई बात नहीं, कुछ दिखाने के लिए मिल रहा है बढ़िया सा आपको कॉन्टेंट, तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। वाओ सो सामने आप चेंबूर के राजा गणपति जी को देख रहे हो भाई, काफी बड़े हैं और काफी ब्यूटीफुल हैं। ये भी वन ऑफ द फेमस गणपति जी हैं। वैसे मेरी किस्मत में था इनका दर्शन करना, नहीं तो वैसे नसीब में नहीं होता, लोगों के ऐसे ही निकल जाते हैं। घूमने निकला हुआ था तो पता चला भाई चेंबूर के गणपति जी हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दूं। ये देखो भाई, ये भी विसर्जन के लिए जा रहे हैं। तो अपन को नारियल भी मिल चुका है भाई। हाँ दे दिया। सो सब्सक्राइबर भैया मुझे अपने फ्लैट में लेकर आ गए थे, और इस फ्लैट में मैं पूरा अकेला ही हूँ भाई। उनके बेसिकली 3 फ्लैट हैं, वो बाकी दूसरे वाले फ्लैट में मैं यहाँ पे आराम से चिल कर रहा था, नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। पर पता है क्या है, अभी अभी हम फिर से वापस जाने वाले हैं विसर्जन के लिए। मैंने आपको बताया था ना हम उस जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे सारे मोमडन्स लोग रहते हैं, और मोमडन्स लोग भी गणपति जी की पूजा करते हैं, तो वो कुछ यूनिक चीज होगी देखने के लिए गणपति विसर्जन के अंदर, तो वो चीज देखने चलते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं पूरी रात जैसी रैली आपने दिन में देखी निकलते हुए, वो पूरी रात रैली निकल रही होगी, फिर मॉर्निंग में विसर्जन होगा। तो चलते हैं भाई, रेस्ट तो करने आया नहीं हूं मैं यहाँ पर, मैं तो वैसे भी विसर्जन के लिए आया था, नहा धो के बढ़िया तरीके से फ्रेश हो चुके हैं, तो अब चलते हैं भाई, सामान वामान सारा पैक कर देते हैं और निकलते हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं कि मेरा यहाँ आना ना पूरा सफल गया है, मुझे प्रसाद भी मिला है और माला भी मिली है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें माला मिली थी, और इस वाले वीडियो में आपने देखा मुझे प्रसाद भी मिला भाई, काफी बढ़िया सा रहा भाई अपना ये पूरा ही सफर। चलते हैं भाई बाहर निकलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी विसर्जन बाकी है, मतलब रोलर कोस्टर वाली राइड का मेन एडवेंचर बाकी है। सो भाई निकल चुके रात में एक्सप्लोर करने के लिए मुंबई को भाई। चलो भाई अब आपको दिखाते हैं सारे गणपति जी, और वो भी एक डिफरेंट लोकेशन से निकलते हुए, सारे गलियों में घूमते हुए।
तो भाई सबसे पहले जो मैं लोकेशन पे आया हूँ वो है मुंबई का राजा, और ये जो जगह है ना ये एक सेट हुआ करता था जो यूज हुआ था भाई मूवी के अंदर, जोधा अकबर मूवी के अंदर भाई। और देखो भाई कितना बड़ा सेट था ये, और ये हर साल यहाँ पे लगाया जाता है मुंबई के राजा, जब यहाँ से गणेश जी रखे जाते हैं और निकाले जाते हैं उसके बाद हटाया जाता है भाई। देख रहे हो आप कितना बड़ा सेट है ये, बेसिकली जो प्रोड्यूसर थे उनकी श्रद्धा की वजह से उन्होंने हमेशा सेट यहाँ पे भेजते हैं हर साल, यहाँ पर आके उनके खुद के वर्कर्स लगा के जाते हैं और फिर बाद में निकाल के लेके जाते हैं भाई। पूरा जोधा अकबर का सेट है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। वैसे मुझे जहाँ तक पता था कि लाल बाग के राजा का जो मूर्ति होती है वो सबसे बड़ी होती है, पर ऐसा नहीं था। सबसे बड़ी मूर्ति जो होती है वो होती है मुंबई के राजा की, तो यहाँ वाली मूर्ति थी गणपति बापा की सबसे बड़ी, जो हमने मिस कर दी, पर अभी भी हमने मिस नहीं करी है क्योंकि वो पूरे रास्ते में यहीं पर मुंबई के अंदर ही कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगी, और इवन विसर्जन में हमें देखने के लिए मिलेगी। जब हमें देखने के लिए मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलो भाई चलते हैं बैठ के आगे, और भी जगह है आपको घुमाने के लिए। चुके रेस्टोरेंट में, और मैं आपको बता दूं सुबह से ज्यादा मजा ना इस वक्त ज्यादा आ रहा है, मतलब इस वक्त विसर्जन में सबसे ज्यादा मजा है। मतलब सुबह तो अगर आप आओगे तो इतना मजा नहीं आएगा, इस टाइम पे इतना मजा आएगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे मैंने आपको सुबह तो दर्शन कराए थे लाल बाग के, पर मैं आपको बताऊँ सुबह से ज्यादा मजा ना इस वक्त आ रहा है पूरे विसर्जन में, और इस टाइम पे ना सारी तरफ जगह पे ना डीजे वीजे लगे हुए, मजा काफी आने वाला भाई आगे वीडियो में भी। अभी थोड़ी देर के मैं अंदर आ चुका हूँ, और मुझे भी पता है पूरे मुंबई में रेड अलर्ट है भाई, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। अगर सुबह हाई टाइड रही ना तो विसर्जन बहुत लेट हो सकता है, 8 बजे के आसपास भी हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हो दोपहर के 1 बजे के आसपास मूर्तियां लिखनी है अपने मंडप से, और नेक्स्ट दिन सुबह 8 या 10 बजे जाके विसर्जन, मतलब पूरा दिन लोगों के साथ मूर्तियों के साथ ही बीत जाएगा भाई। सो ये आ चुका है वेज मराठा भाई, मराठी डिश है ये, खाते हैं इसे और फिर निकलते हैं भाई। वैसे काफ़ी टेस्टी होती हैं भाई मराठी डिश सारी भी, थोड़ी स्पाइसी होंगी लेकिन काफ़ी टेस्टी होंगी। इसमें से गार्लिक की खुशबू काफी अच्छी आ रही है। लो भाई हमने बढ़िया सा खाना खा लिया है भाई, अब हम निकल रहे हैं विसर्जन की तरफ। विसर्जन तो वैसे अभी काफी टाइम बाद होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग होगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया एक कोई एरिया है जहाँ से स्पेसिफिक सारे मॉर्निंग लोग गणेश जी की पूजा करने आते हैं, कुछ तो रेयर लग रहा है, मुझे भी वहां जाके देखना है और आपको भी दिखाता हूँ। चलो भाई फाइनली मैं जिस जगह के बारे में बातें कर रहा था उस जगह में पहुंच चुका हूँ। चलो भाई हम भी दर्शन करते हैं गणपति जी के और आपको भी कराते हैं।
वड़ा पाव है सारा। जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई, मैं आपको कुछ यूनिक दिखाऊंगा, वैसे ही मैंने कुछ यूनिक दिखाया आपको। गणपति बाप्पा का भंडारा लगा हुआ था एक मुस्लिम रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर, अभी आपने देखा वहाँ पे वड़ा पाव सबको दिए जा रहे थे, प्लस आपने देखा सेवादार भी सारे जो थे वो सारे मुस्लिम थे, और सारे जो यात्री आ रहे हैं या जितने भी जो गणपति बाप्पा के साथ आ रहे हैं वो सब मस्त अपना भंडारा खा के आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं भाई। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए यूनिक, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। स्पेसिफिकली ये जो एरिया है वो सारा मुस्लिम एरिया है मुंबई का, सामने आप देख ही सकते हो, ज़्यादातर जगहों पे आपको दिख जाएगा, पर यहाँ पे भी आपको बहुत सारे घर ऐसे दिखेंगे जो बाहर से बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं गणपति बाप्पा का आने का और उनके दर्शन करने का। भाई बहुत सारे ऐसे घर हैं भाई। अब गणपति बाप्पा की मूर्ति आने वाली है, लाल बाग के राजा वाली मूर्ति जो है, और उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग, देख सकते हो आप भाई, बस थोड़ी सी दूरी पे होंगे और आप भीड़ देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आज अलग जनसमुदाय नक्की बाप्पाचे भक्तजन या ठिकाणी मुंबईचे आन बान शान लांबचा राजा गणपती बाप्पा अपन पहुंच चुके हैं विसर्जन वाले एरिया पे भाई, और सामने आप देख रहे हो गणपति जी जाते हैं विसर्जन के लिए। लगभग 1 से 1.5 हजार के आसपास गणपति विसर्जन होते हैं भाई सिर्फ आज से 10 दिन के अंदर अंदर। लगभग 1 से 1.5 हजार गणपति विसर्जन होते हैं भाई, लगभग 1 से 1.5 हजार विसर्जन होते हैं भाई मुंबई वाले एरिया के अंदर अंदर। पूरे इंडिया में पता नहीं कितने विसर्जन होते होंगे गणपति बाप्पा के। लो भाई हम पहुंच चुके हैं विसर्जन वाले एरिया में, जहां से सारे बड़े बड़े गणपति बाप्पा का विसर्जन होता है भाई। देख रहे हो ना बड़े बड़े ट्रक है यहाँ सारे, और एक गणपति बाप्पा जा रहे हैं आगे हमारे विसर्जन के लिए। सो इस सामने आप गणपति जी देख रहे हो कितने सारे हैं जो विसर्जन के लिए जा रहे हैं सारे, और ये लगभग पूरी रात विसर्जन ऐसे ही चलता रहेगा भाई। काफ़ी बड़े बड़े गणपति जी हैं वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, गणपति जी जा रहे हैं अभी लेके जा रहे हैं बोट के अंदर लेके गणपति बाप्पा की लास्ट आरती, इसके बाद गणपति बाप्पा चले जाएंगे अंदर।
आपको जान के काफी हैरानी होगी, ये जो सामने आप गणपति बाप्पा देख रहे हो ये पूरे गणपति बाप्पा टिश्यू पेपर से बने हुए हैं और जैसे ही समुंदर के अंदर जाएंगे उसी टाइम गल जाएंगे।